पराए घर से बेटी आती है, उसको ये पता नहीं यहाँ का माहौल क्या है। कभी कभी विचार नहीं मिल पाते, लेकिन बेटियों अब आपको समझना ये है कि आप जहाँ से आई हो, वे सबकी बात है, केवल सीता की नहीं, आप जिस घर से आई हो वहाँ का कुछ माहौल और होगा, वहाँ के लोगों के विचार अलग होंगे, जहाँ आप आई हो वहाँ के विचार अलग हैं। तो अब कहो कि हमारी चले, परिवार में ज़्यादा लोग हैं, आप अकेली आई हो, यहाँ ज़्यादा लोग हैं, तो अपनी ना चला करके उनके विचारों में मिल जाओ, जीवन आनंद में होगा। अब आप अकेले अपनी चलाओ, यहाँ पर ज़्यादा लोगों के विचार हैं, तो सबके विचारों में अपने विचार मिला लो। महाराज दशरथ ने कौशल्या को ये समझाया, इनको यहाँ का माहौल नहीं मालूम है, आप इनको समझाओ। बड़ा सुंदर चर्चा आप लोग शुरू कर रहे हैं। मैंने दोपहर में बोला था, इस कथा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इस कथा का सबसे बड़ा लाभ ये है, ये जन समुदाय, इतने लोग माता बहन भाई बैठे हैं, इनकी सबकी भावना को भगवान से जोड़ देना। इतने लोगों के विचार परमात्मा से जुड़ गए, और परमात्मा से जुड़ जाते फिर, और फिर काम ही क्या रह गया। कभी कभी माताएं बहनें भाई ये भी कहते हैं कि कथा में समझ में नहीं आया, क्या कथा हो गई, मैं समझ नहीं पा। मैं कहता हूँ एक अक्षर भी समझ में ना आवे, लेकिन आप 3 घंटा बैठे हो, 3 घंटा बैठे हो, इसका लाभ बताएं। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए एक सूरदास आते थे, और रोज आते थे। बहनों बेटियों, वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए एक सूरदास जी रोज आते थे, भीड़ भाड़ में आते रोज थे। एक दिन उन्होंने लोगों ने पूछा, बाबा जब तुम्हारे आंखें नहीं हैं, जब तुम्हारे आंखें नहीं हैं, तो तुम दर्शन को क्या करते हो? जब भगवान को देख नहीं पाते हो तो यहाँ क्या लेने आते हो? जब तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम यहाँ क्या देखने आते हो? सूरदास ने क्या जवाब दिया? बोले भाइयों, मैं तो नहीं देख पाता हूँ भगवान को, लेकिन भगवान तो हमें देखते हैं कि हम रोज आते हैं। भैया आपके कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन भगवान तो देख रहा है कि आप 3 घंटे हमारे लिए बैठे। सूरदास ने जो जवाब दिया तो लोगों की आंखें खुली की खुली गई। रोज आते थे, लोगों ने यही पूछा, जब तुम्हारे आंखें नहीं तो तुम क्या लेने आते हो, तुम क्या देखते हो? यही कहा, हम तो नहीं देखते लेकिन वो तो देख रहे हैं कि मैं रोज आता हूँ, मेरी तो हाजिरी हो रही है रोज। यही भगवान का दरबार है, उनका नाम जैसे भी पड़ जाए कान में, उनका नाम जैसे भी मुख से निकल जाए, मैंने आपको बोला होगा, इस समय हम आप लोग स्वर्ग में हैं। आज सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होना है, शनिवार है, सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होना है। कभी कभी लोग अजीब सवाल कर देते हैं कि माताओं बहनों बेटियों को हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं करना चाहिए। ऐसा लोगों को भ्रम है कि इन माँ बहन बेटियों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। लोगों ने पूछा कि क्या इन माताओं बहनों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए? तो सीधा जवाब है, हमसे ना पूछो, हनुमान चालीसा से पूछो कि तुम्हें कौन पढ़े। हमसे ना पूछो, हनुमान चालीसा से पूछो क्या कह रहा है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो, ये नहीं लिखा कि आदमी पढ़े या भैंसिया पढ़े, समझिएगा चौपा, जो यह पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान। अरे लोगों की नजर ने कितने कहां से गोबर भर दिया दिमाग में भगवान ने, जब हनुमान चालीसा खुद कह रहा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। अब इसमें माँ बहन बेटी और भाइयों का अंतर ही नहीं रह गया, जो पढ़े। लेकिन लोगों का ऐसा भ्रम है
कि माता बहन गायत्री मंत्र का जाप सबको नहीं करना, क्यों नहीं करना चाहिए, ये लोगों के भ्रम भर देते हैं दिमाग में। तो इस किसी के भ्रम में मत पड़ो, किसी के भ्रम में मत पड़ो, आप अपनी बुद्धि से काम करो, दिमाग से काम करो। जितनी ज्यादा चक्कर में पड़ोगे उतने ही नीचे चले जाएंगे हम। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम आप लोग स्वर्ग में बैठे हैं, इस समय मानसिक स्वर्ग है, और मानस में तीन जगह स्वर्ग शब्द का वर्ण आया, मैंने बोला होगा जरूर, मानस में तीन जगह स्वर्ग का वर्ण आया। पहला है सुंदरकांड में, सुंदरकांड में, और सुंदरकांड की कथा प्रारंभ हो रही है। पहला है सुंदरकांड में, लंकिनी ने हनुमान सिंह से कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लब सत्संग। उत्तरकांड में है, देह धरे कर या फल। देखिए उत्तरकांड में दो जगह स्वर्ग शब्द का वर्ण है। पहला है यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यह तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, इस शरीर का फल जो है विषय नहीं है। तो विषय क्या है, विषय है फूल, जिसको देख करके आकर्षण है, खिंचाव है, वही विषय है। फूल को देख करके आकर्षण होता, खिंचाव होता है, इसलिए इस देह का फल विषय नहीं, विषय फूल है। और ये भी आप जानते हैं कि फूल के बाद में ही फल होता है, तो विषय है फूल, तो फिर फल क्या है। चौपाई कहती, देह धरे कर या फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। सारे कामों को छोड़ करके भगवान का भजन करो, यही इस शरीर का फल है। और हमने आपको भोजन और भजन के बारे में भी बोला, लोग भजन के बारे में पूछते हैं भजन कितना करें, और भोजन और भजन में अक्षर वही है मेरे भाइयों। भोजन में मात्रा है, जितना करते उतना ही करोगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, चाहे जब करो चाहे जितना करो, ये है भोजन भजन में अंतर। तो इस शरीर का फल जो है वो केवल भगवान का भजन है। देह धरे कर या फल भाई, भजी राम सब काम में बिहाई। लेकिन ये हमसे हो नहीं पाता, हमसे हो नहीं पाता, लेकिन महापुरुष कहते हैं याद आएगा, याद आएगा आपको कब, जब काल का तमाचा पड़ेगा तब याद आएगा। उदाहरण दिया एक है कि जब काल का तमाचा पड़ेगा तब याद आएगा कि हमने तो भगवान तुम्हारे भजन करने का वादा किया था, भूल गए। खैर चलिए छोड़िए।